विस्तीज हिल्टन वेल्थ चैनल में मैं कांचन ठोमरे आप सभी का स्वागत करती हूँ। सभी व्यूअर्स एंड सभी सब्सक्राइबर को दिल से धन्यवाद। चैनल को ऐसे ही प्यार बनाते रहिए। वीडियो किसके लिए है, तो जो लोग थाईलैंड जाना चाहते हैं और उनको थाईलैंड क्वालिफिकेशन अभी भी थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ है, उनके लिए मैं वापस एक बार क्लियर करना चाहती हूँ। देखिए, बहुत बेहतरीन ऑफर वेस्टीज ने दी है, न भूतो न भविष्यति, है ना। लास्ट 20-25 साल के डायरेक्ट सेलिंग हिस्ट्री में ऐसी ऑफर कभी भी मिली नहीं है, लेकिन ये ऑफर बहुत बेहतरीन है। एक तो ये क्यूमुलेटिव ऑफर है और कम लैक्स के बिजनेस के ऊपर है। मार्केट में 10 लाख के ऊपर जब लोग बिजनेस करते हैं तभी थाईलैंड जैसी टूर मिलती है, वो भी 2 रात 3 दिन की। लेकिन वेस्टीज ने ये ऑफर 3 महीने के क्यूमुलेटिव बिजनेस पे दिया है। 3,25,000 का बिजनेस 3 महीने में देना है और थाईलैंड ट्रिप अचीव करनी है 4 नाइट्स 5 डेज की। 7-स्टार प्रॉपर्टी में जाना आना, प्लेन का फेयर आपको मिलेगा, खाना, अच्छी प्रॉपर्टी में रहना, घूमना सारा वेस्टीज की तरफ से फ्री है। मुझे नहीं लगता इतनी बेहतरीन ऑफर कोई दे सकता है, है ना। वेस्टीज लॉस्ट बजट पे शायद काम कर रहा है और इतना बेहतरीन ऑफर दिया है। तो बेस मंथ क्या रहेगा, नवंबर। ऑफर है 3 महीने के लिए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के लिए। लेकिन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर होने चाहिए नवंबर महीने में, क्योंकि क्वालिफिकेशन किन के लिए है, ब्रॉन्ज डायरेक्टर के लिए। मीन्स ब्रॉन्ज डायरेक्टर से लेके DUCD तक सारे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नया व्यक्ति भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन अभी हम ये वीडियो में समझने जा रहे हैं कि जो लोग ऑलरेडी जुड़े हैं, जो नॉन क्वालिफाइड 11% है ना, जो 11% पे पहुंच गए हैं लेकिन नॉन क्वालिफाइड है, नॉन क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर है ना, जो 11% पे पहुंच गए हैं और क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर नहीं है, उनको क्या करना है, बेस मंथ है उसका नवंबर। अगर नवंबर में आप क्वालिफिकेशन नहीं दोगे तो आप ये रेस से बाहर हो जाओगे, आपके लिए ये गेम थाईलैंड वाला ओवर हो जाएगा। तो 9,990 PV आपको 3 महीने में करने हैं, है ना। इसमें 100 PV आपके खुद के होने चाहिए, लेकिन ये पीवी से अलग ये पीवी होने चाहिए। मीन्स आप ये पीवी को इसमें इंक्लूड ना करें, इसमें ना पकड़े, इसके अलावा आपको 100 PV करने हैं पूरे नवंबर, दिसंबर, जनवरी में, हर 3 महीने में, है ना। तो 300 PV अभी नवंबर में आपको क्या करना है, तो 2,600 PV से आपको क्या करना है, आपका ब्रॉन्ज डायरेक्टरशिप है इसको आपको क्वालिफाई करना है। दूसरा, दिसंबर महीने में भी आपको 2,600 PV से यहाँ पे भी आपको TBB क्वालिफिकेशन पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे भी दूसरे महीने में भी TBB क्वालिफिकेशन आपका हो जाएगा, तीसरे महीने में भी 2,600 PV करके आपका TBB क्वालिफिकेशन आपको करना है। लेकिन अगर ये तीनों PV आप अगर ऐड करते हैं तो कितने PV हो गए, 7,800 PV हो गए। लेकिन हमें कितने करने हैं, 9,990 करने हैं। तो 9,990 माइनस 7,800 है ना, तो कितना हो गया, देखो 7, 8, 9, इतने PV आपको क्या करने हैं, टॉप अप करने हैं माने क्या करने हैं, आप यहाँ पे भी थोड़े एडिशनल PV बनाओ, यहाँ पे भी थोड़े एडिशनल PV बनाओ, यहाँ पे भी थोड़े एडिशनल PV बनाओ, या ये जो PV है ये आपको क्या करने हैं, आप 1 महीने में भी एडिशनल करके पूरे कर सकते हो। मीन्स 2,600 आपका कंपलसरी क्वालिफिकेशन है, लेकिन ये जो एडिशनल PV करने हैं आपको, है ना, क्योंकि आपको कितने पूरे करने हैं, 9,990 PV पूरे करने हैं आपको, और आपके 100 PV आपको अलग से करने हैं। तो यहाँ पे अगर 3 महीने कंपलसरी क्वालिफिकेशन है 2,600, 2,600, 2,600, तो यहाँ पे होते हैं 7,800 PV, लेकिन 9,990 PV से आप 7,800 माइनस करते हो तो 2,190 बचते हैं। तो ये आपको क्या करने हैं, यहाँ कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, या इसको डिवाइड करके आप ये 3 महीनों में पूरा कर सकते हो। लेकिन 3,25,000 के मात्र
बिजनेस में आपको 3 महीने करने के बाद ये आपको थाईलैंड ट्रिप मुफ्त मिल रही है, तो इसका आप बहुत ज्यादा फायदा उठाए। अभी भी आपको क्वालिफिकेशन समझ में नहीं आ रही है, तो ये मैंने आज बहुत सिंप्लीफाई करके बताया है, इससे आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी और आप बहुत लोगों को क्वालिफाई कर सकोगे, क्योंकि बहुत लोगों को ये समझ में ही नहीं आया है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आशा करती हूँ कि आपको आपकी टीम को इसको फायदा हो जाए, नए प्रोस्पेक्ट को फायदा हो जाए। अगर ये वीडियो कोई किसी को आप भेजते हो तो आप उसके साथ बैठ लीजिए और सारा और डिटेल में समझ लीजिए। थैंक यू सो मच आखिर तक बने रहने के लिए।